कक्षा सिक्स, कक्षा सिक्स और सेवन्थ, विषय संस्कृत। इसमें हम करेंगे संधि, और संधि में भी अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि के बारे में सुन ले क्या होता है। पहले पद के अंत में हलंत म हो और दूसरे पद के शुरू में व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हो तो वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। ये तो पहली बात है। यदि इसका उल्टा हो जाए, पहले पद के अंत में हलंत म हो और दूसरे पद के शुरू में स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हो तो म का अनुस्वार नहीं होता है, जुड़कर म पूर्ण हो जाता है। किससे? स्वर से नहीं होता, स्वर से जुड़कर म क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ये दो बातें, दो बातें आपको ध्यान रख लेना। यदि व्यंजन वर्ण हो तब तो म का अनुस्वार होता है, और यदि व्यंजन वर्ण नहीं हो, स्वर वर्ण हो, तो जुड़ करके पूरे हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे दिया हुआ है हरिम वंदे, हरिम प्लस वंदे, पहला पद दूसरा पद। अब यहां देखिए म, म क्या है? अनुस्वार है, प्लस करके क्या आ गया? व्यंजन वर्ण आ गया। ठीक है, तो ऐसे में इस म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ऐसे में इस म का क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? हरिम वंदे, लिखा अलग अलग ही जाता है। ठीक है, ये उदाहरण क्या तैयार हो जाएगा? हरिम वंदे, इस प्रकार से बन गया हरिम वंदे। ये पहला उदाहरण था। ठीक है, उदाहरण नंबर एक। उदाहरण नंबर दो दिया हुआ, गृहम गच्छति, गृहम प्लस गच्छति, ये पहला पद है, दूसरा पद है। पहले पद के अंत में देखिए हलंत म आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो ऐसे में इस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रहम गच्छते, क्या हो जाएगा? ग्रहम गच्छते। उसके बाद में नंबर तीन का उदाहरण देखिए, दो उदाहरण करा दिया। नंबर तीन पे है त्वम पठसी, क्या दिया हुआ? त्वम पठसी, पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में म आ गया, प्लस करके क्या आ गया? प क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ऐसे में इस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तुम पठसी, क्या हो जाएगा? तुम पठसी।
तो आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि अनुस्वार संधि का कहाँ पे किस रूप में प्रयोग करते हैं। यदि आप मान लीजिए कि पहले पद के अंत में आधा मौ आए और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, तो वहाँ पे वो स्वर उसमें जुड़ करके उसको क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है, फिर वो अनुस्वार संधि नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना, फिर उसको हम अनुस्वार संधि नहीं कह सकते। अनुस्वार संधि में व्यंजन आते हैं, व्यंजन वर्ण कभी किसी आधे वर्ण को पूरा नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।